DNN News sponsored by Deepak Jeweler, Lakkad Bazaar, Solan 9816078655। नमस्कार, डी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। शिमला में युवा कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। आपको बता दें कि स्पीति के काजा में 9 जून को स्थानीय महिलाओं ने कोरोना के चलते कृषि मंत्री का काफिला रोका था, जिसको लेकर 200 महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध जता रही है, जिसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस ने आज शिमला में इसको लेकर धरना दिया है और सरकार व कृषि मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। युवा कांग्रेस ने काजा की महिलाओं पर की गई FIR को वापस लेने की मांग उठाई है। युवा कांग्रेस ने आज शिमला में 200 महिलाओं की FIR को लेकर धरना दिया और सरकार व कृषि मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि इस तरह से महिलाओं के ऊपर FIR दर्ज करना गलत है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि काजा की 200 महिलाओं पर की गई FIR को वापस किया जाए। साथ ही राजनीतिक द्वेष के आधार पर इस तरह के दर्ज मुकदमे गलत है। महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। मार्कंडेय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामलाल मार्कंडेय होश में आओ, होश में आओ। देखिए, जिस तरह से पिछले 10-15 दिन पहले जो प्रदेश के एक कैबिनेट मिनिस्टर है रामलाल मार्कंडेय जी, जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे थे काजा के अंदर, वहाँ पर स्थानीय महिला मंडल ने उनको रोका और उन्हें अंदर जाने से वहाँ पर मना किया। और उनका ये कहना था कि जब जो दूसरे बाहर से कोई भी साथी इस महामारी के दौर में आ रहा है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। ये लॉ उनके साथ भी लागू होता है, ये नियम उनके साथ भी लागू होने चाहिए। एक प्रदेश के अंदर दो दो नियम कैसे चलेंगे? VIP के लिए कुछ और स्थानीय लोगों के लिए कुछ और। उनकी जो मांग थी बहुत जायज़ थी। बात ये नहीं है कि उनको वहाँ पर रोका गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोकतंत्र के अंदर तानाशाही चल रही है। आप देखिए, इससे पहले भी इस प्रदेश सरकार ने किस तरह से पत्रकारों के ऊपर जो है झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। उसके बाद अगर इस सरकार की समस्याओं के खिलाफ, जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जो भी कांग्रेस का या दूसरे राजनीतिक दल के जो लोग हैं आवाज़ उठाते हैं, तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस के साथियों के ऊपर भी लगातार आज 54 मुकदमे हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस के साथियों के ऊपर हो गए। आपने देखा होगा कि पीछे कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है CPSA नीरज भारती जी, उन्होंने भी जो सवाल पूछे थे, सवाल पूछना हर एक हिंदुस्तानी का अधिकार है, उन्होंने इस प्रदेश देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था, क्या नरेंद्र मोदी अपने आप में कोई देश है? उनसे अगर कोई सवाल पूछेगा क्या वो देशद्रोही है? उन्होंने सेना के खिलाफ कुछ नहीं किया। और उसके अलावा अभी महिलाओं को रोज जो है वहाँ लाहौल स्पीति के अंदर थाने के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।